दोस्तों आज 1200 मीटर का टाइम ट्रेल है राघव राणा और दीपा शीशवाल के बीच में, शर्त लग रखी है, देखो क्या होता है। 1200 मीटर का महामुकाबला शुरू होने की ओर दिल थाम कर बैठ जाइए। राघव राणा दीपा दोनों ही हरियाणा के उभरते हुए स्टार, दीपा जूतों में है और राघव राणा स्पाइक्सों में। स्टार्ट कर दी है रेस को बहुत ही अच्छे तरीके से, एक दूसरे के पीछे लगकर भाग रही है। जितने भी मेरे नए भाई है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं जिनको रेस नहीं लगानी आती है, इस रेस को ध्यान से देखें। बहुत जरूरी होती है पेस मेंटेन करना, एक गति में भागना। अगर आप अपनी बॉडी को एक गति में और एक पेस में यानी एक स्पीड में भगाते हैं तो इसका रिजल्ट लास्ट में आपको जरूर मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरी बॉडी भर गई थी, वो शुरू में जोर लगाते हैं इसलिए उनकी बॉडी भर जाती है। इन दोनों खिलाड़ी ये पेस के हिसाब से चल रहे हैं यानी एक स्पीड से चल रहे हैं, इनकी बॉडी कभी ज़िंदगी में नहीं भरेगी, ये आग लगाने के लिए तैयार है। देखिए दोस्तों पहली 300 मीटर पूरी 14.50 की सेकंड की पेस से चलते हुए 42 सेकंड के आसपास आ गई है। इस हिसाब से इनकी 400 मीटर इनकी 1 मिनट के आसपास होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी टांगों को दबाकर चला रहे हैं। इनका रनिंग एक्शन से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए पहला राउंड 59 सेकंड 36 माइक्रो सेकंड का 1 मिनट के आसपास आया है, बहुत ही अच्छा है। इसी हिसाब से अगले राउंड की पेस इनको मेंटेन करनी पड़ेगी, 1-2 सेकंड चढ़ जाती है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे तरीके से चल रहे हैं दोनों ही प्लेयर। देखो जब भी आप भर्ती में रेस मारते हैं या किसी कंपटीशन में रेस मारते हैं तो किसी 80 प्लेयर के पीछे चिपकर भागना जरूरी है। आप शुरू में ही 100-200 मीटर में जान लगा देते हैं, उसके बाद में आपका सारा कुछ खराब हो जाता है। ये देखिए एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि किसको कहाँ पे रेस लगानी है। अगर कोई स्टूडेंट अगर रेस को लूज कर रहा है तो दूसरा स्टूडेंट उसको चिप जाता है जिससे अपने आप रेस फास्ट हो जाती है। बहुत अच्छे तरीके से 600 मीटर 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास गई है, बहुत अच्छी रेस हो जाती है। और ये 700 मीटर के नज़दीक में है, 800 मीटर कितने की लेकर आएंगे, 800 मीटर का जो टाइमिंग आएगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होगा कि ये 1600 मीटर का टाइमिंग क्या आएगा, जो आगे हम भविष्य में इनकी ट्रायल लेंगे। और ये आज 800 मीटर का जो टाइमिंग होगा इसमें 1200 मीटर भी महत्वपूर्ण रहेगी कि 1200 मीटर इनकी कितने सेकंड में फिनिश होती है। 800 मीटर को देखते हैं दोस्तों, 800 मीटर के बेहद ही नज़दीक है और 800 मीटर इन्होंने पूरी कर लिया 2 मिनट 2 सेकंड और 26 माइक्रो सेकंड में। अगर 1 मिनट 2 सेकंड का राउंड लेकर आते हैं तो भी इनकी 3 मिनट 4 सेकंड की रेस होनी चाहिए। आप दोनों प्लेयरों को देख सकते हैं अभी तक किसी प्रकार के टाइट नहीं हुए हैं ना ही बिल्कुल भरे हैं। राघव राणा हल्की सी पेस को लूज कर रहे थे तो दीपा ने सोचा मैं आगे लगूं ताकि और ज़्यादा स्पीड बढ़े और रेस ख़राब ना हो। ये लास्ट की 300 मीटर धुआंधार रेस बच चुकी है, इसी रेस में असली खिलाड़ी का पता लगता है। दोनों ही खिलाड़ी अपनी गति और स्पीड और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दीपा लगभग 3-4 मीटर के गैप से चल रहा है, राघव और राघव उनके पीछे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ दीपा पिछले 5-6 महीने से फिट है और राघव राणा को अभी 3 ही महीने हुए ट्रेनिंग करते हुए, इसीलिए वे थोड़ा अनफिट है, थोड़ा पीछे रह गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप राघव राणा के बारे में बताना चाहता हूँ, अभी जो स्टेट हुई थी उसमें उन्होंने 1500 मीटर को 3 मिनट 50 सेकंड की लगाई थी बहुत ही शानदार तरीके से और दीपा वहाँ पर अच्छे तरीके से रेस नहीं लगा पाए थे। तो दीपा अब ये 1200 मीटर फिनिश करने की और बहुत ही अच्छे तरीके से ये लगभग 3 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 3 मिनट 4 सेकंड 33 माइक्रो सेकंड की और राघव राणा 3 मिनट 8 सेकंड। बहुत ही अच्छी टाइमिंग आई है इन दोनों स्टूडेंट की और अभी पिछले 3 महीने से ये हम ऑफ सीज़न लगा रहे थे, ये ऑफ सीज़न का टाइमिंग है तो ये संतुष्टिपूर्ण टाइम है। अभी आगे का जो वर्कआउट है हम स्पाइक्सो में करेंगे और जो सितंबर अक्टूबर में जो नेशनल गेम होनी है या स्टेट होनी है उसके लिए हम और अच्छी तैयारी करेंगे। दोस्तों अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप हमारे साथ बने रहें।